सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। YouTube गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए एक न्यू सर्वाइवल गेम लेकर आया हूं। बट भाई, मैं पहले ही आपको बता दूं, आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि ये जो गेम है, आप इस गेम को डाउनलोड नहीं करोगे, बट जब आप इस गेम का गेम प्ले देखोगे ना, तो भैया हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको गेम बताने वाला हूं, उस गेम का नाम है भाई फ्री फायर सर्वाइवल बैटल ग्राउंड। इस गेम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, तो भाई ये जो गेम है, इस गेम को भाई पूरा का पूरा कॉपी के बनाया गया है फ्री फायर और पबजी मोबाइल का, और गेम बनाया एकदम कूड़ा। तो आज इस गेम का हम करने वाले हैं रोस्ट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी फायर सर्वाइवल बैटल ग्राउंड गेम जो है शुरू हो चुकी है, एंड आप इसकी लॉबी देख पा रहे हैं। भैया, यहाँ पर आपको एक स्टार्ट का बटन दिख रहा है और नीचे दिख रहा है भाई सहनॉक मैप। अरे भाई भाई, यानी हमें बूट कैंप रूइंस लग रहा है, सब कुछ इस गेम के अंदर मिलने वाला है। तो चलो भाई, गेम शुरू करने से पहले गेम की थोड़ी लॉबी पे ध्यान दे लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गन्स आप देख पा रहे हैं, पिस्टल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस गेम में। ओके, एंड AKM में पेल दिया भैया, 8x या 6x। अरे भाई, AKM में 6x लगा कर दिखा रहे हैं कि भैया ये लो, AKM में 6x। एंड अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं, मैं आपको इस गेम का गेम प्ले दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो एयरप्लेन है वो पूरा का पूरा पबजी मोबाइल वाला है। कुछ भी अंतर नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है पबजी मोबाइल वाला है कि फ्री फायर वाला, बट जैसा भी है सेम ही है। चलो कोई बात नहीं, प्लेन तो हर जगह का सेम ही होता है, तो प्लेन में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखते हैं भाई गेम में आगे क्या होने वाला है, ठीक है? तो प्लेन से भी हम जंप नहीं लगा सकते, अब पता नहीं क्यों नहीं लगा सकते, शायद से इतने एरिया में ही लगा सकते। तो ओके, ये हमने इतने एरिया में जंप लगा दिया, एंड हम पता नहीं अब कहाँ पर जाने वाले हैं। लग रहा है एरकेड मोड टाइप चलता है इसमें। ओके, तो भाई कुछ भी हो रहा है भाई इस गेम में, तो अपना प्लेयर जो है सुपरमैन की तरह कूद गया और हमारे सामने खड़ी एक बग्गी, वो भी खिलौना लग रहा है यार ये तो। अरे इतना बड़ा बंदा इतनी छोटी बग्गी में कैसे बैठ गया भाई, क्या है? मेरे को तो लग रहा था कि ये कोई टॉय है, बट ये तो बग्गी नहीं। और ये मैं बूस्टर मार रहा हूँ तो पीछे वेल्डिंग क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, पता नहीं क्या सीन है भाई। तो चलो, अभी हम आ चुके हैं अपने शायद से जॉर्ज पुल, हमें सैनोक मैप में देखने को मिल रहा है, तो पता नहीं क्या है भाई इस गेम का सीन। तो बट जो भी है, बंदे का बैग भाई मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सब कुछ कॉपी किया हुआ है भाई प्लेयर का। आप देख पा रहे हो हेलमेट भी उसका रखा हुआ है पबजी मोबाइल वाला लेवल 3 का, और यहाँ पर आप सब कुछ देख लो भाई। बट एक चीज़ इन्होंने अपने दिमाग से थोड़ी सी अलग बनाई है, वो है भाई इनका बैकपैक। भाई कुछ भी कहो, मेरे को बस इस गेम का एक बैकपैक ही अच्छा लगा। तो चलो भाई, इस कंटेनर पे चढ़ते हैं, एंड यहाँ पर देख लो इन्होंने अलग से फट्टा लगा रखा भाई, कंटेनर के बीच में ऐसे फट्टा कौन लगाता, मतलब कुछ भी यार, गेम बनाने के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फट्टा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई आगे, मेरे को एक घर दिख रहा है, घर के पास चल के देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है, घर में हमें क्या क्या लूट मिलेगा। अरे भाई, एक बंदा सामने से भागता हुआ आ रहा है, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस से छुट्टी होगी घर जा रहा हो। अरे भाई, इसको लो भाई, उसके पास थी M416, मेरे पास थी पिस्टल है, और ये मेरे हिसाब से बॉट है, कोई रियल प्लेयर नहीं है इसमें। इसमें एक भी रियल प्लेयर नहीं आने वाला जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये गेम मेरे को पूरा लग रहा है कि ऑफलाइन ही चल रहा हो। एंड यहाँ पर इसको हम उठा लेते हैं एक बारी। ओके, तो टैप के बटन से, अरे भाई एक बंदा और आ गया, गन तो उठाने दे, कहाँ पर है भाई, मार मूरने दे, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा साइन कहाँ पर है। ओके, तो मेरे पीछे है ये रहा। ओके, तो चलो इसे मार देते हैं, ये हेड पे निशाना ही नहीं लग रहा भाई, क्या निशाना है इसका। चलो इसका पैर ही तोड़ दिया, घुटने पे ही गोलियां मारेंगे सारी। लो भाई, इसके एक घुटने पे गोली थी, बंदा लुढ़क गया। एक और बंदा आ गया भाई, सब्जी लेकर आ गया ये तो बंदा, क्या सीन हो भाई, कितनी ज़्यादा हेल्थ कम कर दी इन्होंने मेरी, मतलब कि यार लगातार बंदे बंदे भेजे जाओगे तो यार बंदा तो मर ही जाएगा एकदम, चाहे कितना भी अच्छा हो, पिस्टल दे रखी है मेरे को। तो चलो भाई, अभी एक दूसरी गन उठा लिया यहाँ पर, M416। अब आ जाओ भाई, जो मर्जी आ जाओ, अब तो खाली कर देंगे भाई मैदान। अरे लो भाई, एक बंदा और आ गया, किधर है भाई तू? ओके, तो ये रहा भाई, पीछे की साइड है मेरे। अरे भाई, इसने मेरे को मार दिया। ओके, तो यहाँ पर इस गेम का सबसे घटिया सीन ये है, अगर तुम मरते हो तो तुम एक ऐड देख लो, दोबारा जिंदा हो जाओगे। लो भाई, इस गेम का जो डेवलपर है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच्ची बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा लालची है ना भाई, पूरी गेम में इतनी ऐड भर रखे, इतनी ऐड भर रखे, यानी कि इस गेम में तुम कभी हार ही नहीं सकते। तुम चाहे 1 से 1000 बारी भी मर जाओगे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास अगर फालतू का इंटरनेट है तो एक ऐड देखो दोबारा जिंदा, कुछ भी हो जाए इस गेम में, कुछ भी करना है ऐड देखो दोबारा जिंदा। भाई इतना कूड़ा भाई, कसम से यार, क्या सोच के इस गेम को डेवलप करा है भाई, क्या सोच के डेवलप करा है। और यहाँ पर गाड़ी देख लो भाई, गाड़ी कैसी ऐसी चल रही है, गाड़ी तो काफ़ी अच्छी ड्राइव हो रही है यहाँ पर अभी तक, तो गाड़ी में कोई कमी नहीं लगी। अरे भाई, बंदा था लकड़ी, क्या बंदा है भाई यार, बंदे से गाड़ी भिड़ी, गाड़ी हिल गई, बंदा फर्क ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला कि भैया गाड़ी भिड़ी है मेरे से। वाह,
ये चीज़ तो भाई एकदम कूड़ा डेवलप करा है, पता नहीं क्या सीन है इस गेम का, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं अभी आगे से, दोबारा से ठोकेंगे भाई बंदे के अंदर। लो भाई पूरी गाड़ी हिल जा रही है, लेकिन बंदे को कोई वो है ही नहीं, मतलब कि लोहे चल रहे हैं ऐसे लग रहा है भाई, ट्रेन जा रही हो, पता नहीं क्या बनाया भाई। तो चलो भाई तीन बंदे आ रहे हैं, मतलब उन तीन बंदों को आपस में कोई मतलब ही नहीं, सबको मेरे को ही पेलना। चलो कोई बात नहीं, तीनों को तोड़ेंगे हम यहाँ से खड़े होकर। लो भाई दो तो एक लुढ़का दिया, दो बचे हैं भाई, दो को भी लेंगे आराम से, टेंशन मत करो। लो भाई गाड़ी खिसका दी दोनों ने। अबे क्या सोच के बनाया है भाई गेम में, क्या मतलब कुछ भी, जो डेवलपर है उसने लग रहा है गेम को बनाने के बाद एक बार भी खेला नहीं है, वरना वो इस गेम को रिलीज़ नहीं करता भाई। अगर उस बंदे ने गेम को बनाने के बाद एक बार भी खेला होता ना इस गेम को, तो गेम को रिलीज़ ही नहीं करता। पता नहीं गेम में कंसेप्ट क्या है, हमें करना क्या है, बस बंदे मारने हैं, मारते रहने। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड में देखोगे ना, 18 बंदे आपको मारने हैं, और अब मैं 7 मार चुका हूँ। 18 बंदे मारते ही आप इस गेम को जीत जाओगे। जीतने के बाद आपको कुछ नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है जिसका पॉइंट्स तुम क्योंकि ऐड देख के भी ले सकते हो। तो मतलब इस गेम में तुम्हारा हारना इम्पॉसिबल है, अगर तुम्हारे पास फालतू का इंटरनेट और फालतू का टाइम है ना, तो तुम इस गेम में कभी हार ही नहीं सकते। तुम्हें जब जितनी बार भी मरोगे कुछ नहीं करना, हमेशा जाकर भाई एक 15 से 20 सेकंड की ऐड देखनी है, तुम दोबारा जिंदा। जब भी मरो 15 से 20 सेकंड की ऐड, दोबारा जिंदा, मतलब कुछ भी यार। इस गेम को क्या बोलूं भाई मैं, इस गेम के डेवलपर को यार इतना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए भाई, मत रिलीज करता भाई इससे बढ़िया गेम, क्या फ़ायदा इतना लालच करके, इतना ऐड पेल दिया इस गेम में। ये लो मैं फिर मरा, अब फिर एक ऐड देखो और दोबारा जिंदा हो जाओ। तो चल भाई लोंडे मैं ऐड देखकर आ गया, अब तेरी ऐसी की तैसी। लो भाई तुम किसी को भी मार सकते हो भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी तुम मरो ऐड देखो बंदा मार दो। मतलब क्या भाई क्या थिंकिंग है भाई बंदे की यार, कुछ तो सोचा होता है एक बारी गेम बनाने से पहले। तो चलो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर दिख रहा है, एंड सिलेंडर पर गोलियाँ मारेंगे। तो क्या बे सिलेंडर खाली था क्या यार, ब्लास्ट ही नहीं हुआ, मेरे को तो लगा ब्लास्ट होगा पूरा घर गिर जाएगा। जिस हिसाब से गेम बना है उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो कुछ रियलिस्टिक डालते। चलो कोई नहीं, फिलहाल जो भी है यार मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा डेवलपर ने इस गेम को ना बहुत ज़्यादा, और इस गेम में कुछ है भी नहीं खास यार, इतना लालच दिखाया ना भाई, इतना ज़्यादा ऐड डाला है पूछो मत। तुम इस गेम में कुछ भी करोगे ना, तो तुम्हें पहले ऐड देखना पड़ेगा, गन्स को खुलना ऐड देखो, जो भी करना है तो तुम्हें पहले ऐड देखना पड़ेगा। एंड गेम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस 18 बंदे मारने, और 18 बंदे मारने कुछ हार्ड ही नहीं है, सिंपल से बंदे आते हैं जिनको आप इजीली मार दोगे यार। पता नहीं क्या सोच के भाई गेम को बनाया। लो भाई बंदे बस लाइन की तरह चलते आएंगे, एंड आपने बस निशाना लगा के मारना है। बस इस गेम को खेलने के बाद आपका थोड़ा निशाना ठीक हो जाने वाला, और बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, बस टाइम खराब है। तो चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, एंड देखते हैं भाई हमें क्या मिलने वाला है। एंड थोड़े बहुत हर जगह भाई कंटेनर ही कंटेनर, एक दो घर देखने को मिल रहे हैं, बस कुछ भी नहीं है बाकी इस गेम में। तो चलो देखते हैं भाई अब एनिमी कहाँ से आते हैं। इसमें बोट्स हैं यार, एनिमी कोई भी नहीं है, सारे के सारे बोट्स हैं, रोबोट है ये सब यार, चल चल के आ रहे हैं, बस भागते हुए आते हैं, इन्हें भाई फोड़ डालो, कुछ भी नहीं है, एकदम रोबोट जैसे बंदे हैं। चलो देखते हैं भाई जीतने के बाद हमें चिकन डिनर मिलता है या फिर बोया मिलता है, पता नहीं अब क्या देंगे, शायद से चिकन बोया देंगे, क्योंकि ये जो गेम है पूरी की पूरी पबजी मोबाइल और फ्री फायर की कॉपी है। डेवलपर ने इस गेम को बनाने में बिल्कुल भी नहीं मेहनत करा, एक छोटा सा स्टेडियम बना दिया, मतलब कि एक छोटा सा ग्राउंड बनाया जिसमें 4-5 जॉर्ज पुल वाले कंटेनर उठा के रख दिए, और एक दो घर रख दिए फ्री फायर जैसे, और बंदा खड़ा कर दिया पूरा का पूरा पबजी मोबाइल जैसा, बिल्कुल सेम लग रहा है भाई मेरे को तो, बस पैर वैर थोड़े इसके भाई जैसे वो हो रखा हो, पता नहीं क्या कौन सी बीमारी हो रखी हो, ऐसे ऐसे चल रहा है भाई। और बाकी हेलमेट आप देख ही पा रहे हो पूरा सेम है, बस बंदे ने जो अपने दिमाग से बनाया वो है भाई इसका बैकपैक, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बाकी इस गेम में से मेरे को कुछ भी नहीं पसंद आया भाई, कुछ भी नहीं पसंद आया, मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कूड़ा गेम है, क्या बताऊँ भाई। अब डेवलपर भी इस वीडियो को देख रहा होगा ना, उसे भी पता है क्या मैंने बनाया, और डेवलपर ने भी इस गेम को बना के यही कहा हो कि भैया ये क्या बना दिया मैंने, मेरे को नहीं पता, जो भी है इसे प्ले स्टोर पर डालो, पैसा कमाओ, ऐड पेल दो इस गेम में, जितने पैसे आएंगे ठीक है। तो भाई मुझे तो गेम क्या घटिया लगा, अगर आपको ये गेम कैसा लगा हो मुझे प्लीज़ यार कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। मुझे पता है किसी को भी ये गेम पसंद नहीं आया होगा, बट यार आप कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप से और भी कूड़ा गेम्स का रोस्ट करूँ तो प्लीज़ यार, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने किसी गेम का मजाक उड़ाया हो, और भाई ये गेम मजाक उड़ाने लायक थी तो मैंने मजाक उड़ाया, वरना मैं किसी भी गेम का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि गेम को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, डेवलपर्स को बहुत टाइम लगता है। एंड इस गेम का मजाक मैंने इसलिए उड़ाया क्योंकि यार इस गेम को बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं लगी है भाई, ये एक कसम से एक दिन में बन गया होगा यार ये गेम, मतलब डेवलपर्स ने सब कुछ तो पहली चीज़ कॉपी करा है, अपना दिमाग लगाया ही नहीं है, सब कुछ कॉपी करा है, एंड उसके बाद भी एक कूड़ा गेम डेवलप कर दिया, और नाम तक कॉपी करा है यार, फ्री फायर बैटल ग्राउंड सर्वाइवल पता नहीं क्या नाम है। तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।